आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गांव में शराबबंदी की मांग, कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। जी हां, रायगढ़ जिले के बरमकेला थाना के गोबर सिंघा की महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं शराबबंदी की मांग को लेकर आज कलेक्टर पहुंचे। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि गांव में शराब बिचौलियां व कच्ची शराब बेचने वालों की वजह से पूरे गांव में अशांति फैला हुआ है। महिलाएं व बालिका कहीं अकेले जाना नहीं कर सकती। शराब के नशे में धुत युवक व ग्रामीण गंदे गंदे बातें करते हैं। महिलाओं का कहना है कि वे कई बार बरमकेला थाने में शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन पुलिस वाले आते जाते जरूर हैं, फिर भी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। हाँ, गाँव गोबर सिंघा में मोहल्ले में दारू बेचा रहा है। हाँ। जगह जगह के लिए गंदा भी गाली देते हैं, बेटी बहनी भी गाली देते हैं, बहू बेटी नहाने पुराने मैदान जाते हैं। तो सबे लोग मन पीकर का करते हैं, बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मोहल्ले में अशांति फैलाते हैं। बंद करना चाहते हैं मोहल्ले में अपना मतलब गोबर सिंघा में दारू बंद करना चाहते हैं। कार्रवाई न होने से गांव में शराब बिचौलियों जो शराब बेचने का काम करते हैं उनके हौसले बुलंद है। शिकायत करने पर गाली गलौज भी करते हैं। इससे परेशान होकर महिलाओं ने बताया कि महिलाओं ने आज वे लोग अपने घर का काम काज निपटा कर दोपहर में एक पिकअप किराया करके कलेक्ट्रेट पहुंची है और कलेक्टर से मुलाकात कर गांव में शराबबंदी की मांग करेंगे। महिलाओं ने यहां भी कहा कि गांव में शराबबंदी की पहल कर रही है, इसके लिए उन्हें प्रशासन के सहयोग की अपेक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट RNN न्यूज।